हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आपको वापस से कुछ और सेल के जानवर दिखाने के लिए हम आए हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अपना शुभ नाम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम है महेंद्र सिंह राठौड़ और मेरा गांव है कोंपड़ास, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। नागौर से बता रहे हैं आप जी। तो कितने जानवर लेके आए? हम लाए 5-6 जानवर लेके आए। 5-6? कब आए थे आप? हम कल आए थे। अच्छा, कल ही आए? कल। तो अभी कोई कस्टमर लगाया है या नहीं अभी तक? अभी तो मतलब अभी हमने यहाँ सेटअप किया है। अच्छा, अभी किया है। अच्छा, तो कैसा गया मेला? मेला तो अच्छा है। अच्छा भरा है मेला। जो नहीं आया उन लोगों को अपन बता दे कैसा बता रहा, मतलब प्लानिंग में है कि आने की हम तैयारी कर रहे हैं। मतलब काफी पशुपालक यहाँ पे पहुँच गए हैं, लगभग जो अच्छे अच्छे स्टालियन है जितने हाँ। भी है काफी यहाँ, और अच्छी अच्छी जो सस्ती घोड़िया थी वो सेल भी हो गई। वो मतलब अभी जो यूपी वाले हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, वो अपनी खरीद कर रहे हैं। जैसे 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, वैसे जानवर अभी बिक रहे हैं। अच्छा, अभी अच्छी कीमत के नहीं बिक रहे? अभी अच्छी कीमत का तो मेरे सामने मैंने देखा नहीं। अच्छा अच्छा जी, ठीक है ठीक है। तो अपने पास ये जानवर इसकी क्या? ये है मतलब स्टालियन, इसका नाम है अग्निवीर। अच्छा, स्टालियन ही है अपना। हाँ। क्या नाम रख रहे हैं इसका? अग्निवीर। इसका सायर कौन होने वाला? सायर प्रभात। प्रभात का है? डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट प्रभात का है। अच्छा, क्या एज का हो गया? ये हो गया 32 मंथ कंप्लीट हो गया। तो अभी तो कोल्ट में ही आएगा ना? कोल्ट के? हाँ, अभी तो कोल्ट में होगा। टू टीथ में? अच्छा, टू टीथ में। हाइट क्या करनी है? हाइट ये करीबन है 61 प्लस है। 61 प्लस है। अच्छा, और मां साइड से? मां साइड इसकी रूपवती है। रूपमती? रूपवती। रूपवती अपने पास ही है? अपने पास नहीं, मैंने तो अभी खरीदा इसको। अच्छा, कहाँ से खरीद के लाए? ये हमने मतलब गुजरात से खरीदा, द्वारका। अच्छा, गुजरात से। इसकी माँ कौन सी लाइन की थी? इसकी माँ है मतलब मेरे को तूफान लाइन का बताया था उन्होंने। अच्छा, तूफान और आलीशान। ये अपने देवली लाइन? देवली लाइन का जी। अच्छा, बाकी इसके कान बहुत सुंदर आए। देवली लाइन में से कान नहीं आता है? देवली लाइन के अंदर मतलब बहुत अच्छा कोल्ट है ये। मतलब गर्दन का जो उठाव, इसका बोन, इसके मतलब कान, और जो मतलब इसका जो चलने का तरीका बहुत ही अच्छा, लाजवाब है। तो इसकी क्या डिमांड विमांड कर? इसकी हम डिमांड कर रहे हैं 11 लाख रुपए। 11 लाख कर रहे जी। फिक्स है क्या? नेगोशिएशन होगा? मतलब अगर कोई बैठ के करेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, ज्यादा नहीं करेंगे जी। ठीक है ठीक है। और क्या जानवर? एक ये है फिली। ये है जो हरियाली में जो जमुना जी, प्राग जी, गांची, उनके पास में था कालीचरण। कालीचरण की? कालीचरण घोड़े की। अच्छा अच्छा जी। और माँ साइड से? माँ साइड में इसका माँ का नाम था कनवती। कनवती? हाँ। वो किसकी थी? वो मेरी है। अच्छा, अपने घर पे ब्रीड किया हुई है। अच्छा, क्या हाइट? ये मतलब अभी 12 महीने की हुई है, 12 महीना चल रहा है इसका। अच्छा, ये बच्ची 12 महीने की? लगभग 58 लगभग है ये। बाकी इसकी क्या डिमांड है? इसके डिमांड कर रहे हैं 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख रुपए जी। ठीक है। और ये है रेवंत घोड़े की, आलीशान लाइन। रेवंत जो मोहन सिंह जी के पास में है ना, हमारे नागौर डिस्ट्रिक्ट में है वो घोड़ा, रेवंत। हाँ, रेवंत। एक रेवंत करके तो गुजरात साइड में भी, बनासकांठा में देव। हाँ, वो रेवंत अलग है। ये आलीशान लाइन से है जो अभी मोहन सिंह जी के पास में रोल वाले। अच्छा, रोल चंदावता मोहन सिंह जी है उनके पास में। तो ये बच्ची है? ये बच्ची है। कितने महीने की? ये भी लगभग 12 महीने की है। अच्छा, 12 महीने की लमसम। क्या हाइट कर ली इसने? हाइट ये भी 58 लगभग है। 58 लगभग। हाँ, ठीक ठीक है। क्या डिमांड कर रहे हो इसके? इसके भी 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख रुपए। हाँ, ठीक है। और ये है इसकी मदर। अच्छा, इसकी मई है ये। हाँ, ये भी अपने होम ब्रीड है बच्ची? हाँ, ये होम ब्रीड है। वो भी होम ब्रीड है, ये भी होम ब्रीड है। तो अपने पास घर पे भी टोटल और कुछ जानवर है या घर पे नहीं है? जो घर पे एक दो बच्चा बच्ची छोड़ के आए, एक दो बच्चे जो हमारे को सेल करने के नहीं थे। अच्छा, वो घर पे छोड़ के आए, तैयार करने। हाँ, उनको मतलब एक अच्छी कैटेगरी में लाने के लिए अच्छे तैयार कर रहे हैं उनको। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा की इतनी हम केयर कर नहीं पाते ना। हाँ, तो निकालने भी जरूरी है, सेल परचेज करना भी जरूरी है। जरूरी है, मतलब आदमी का रोटेशन भी चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसकी क्या डिटेल्स है? ये है मतलब बाबा बालक दास जी वाले घोड़े की बता रहे हैं। हर्षवर्धन की? हर्षवर्धन की। अच्छा, हर्षवर्धन की डायरेक्ट है? हाँ, मतलब तो हमने खरीदा है, अगली पार्टी ने बोला है। बल्कि हम तो अनोन लाइन मानते नहीं, कंफर्म नहीं है। अगर उसका जब तक अगर डीएनए नहीं होता है तब तक हम कंफर्म नहीं बोल सकते। जैसे हमारा होम ब्रीड है, इसको हम कंफर्म अगले को मतलब बोल सकते हैं हमारे घर की ब्रीड है। और जो हम जो लाइन बता रहे हैं, अगर अगर उनमें अगर डीएनए अगर अनक्वालिफाई हो जाता है, उसकी गारंटी हमारी। जो हमने खरीदा उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। क्योंकि आपको पता है घोड़े मार्केट में तो थोड़ा झूठ चलता ही, और काफी लोग अभी आजकल काफी लोग बोलने भी लग गए हैं ज्यादा, मतलब झूठ का क्रेज बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, वैसे फर्क तो पड़ा है डीएनए के बाद। तो मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ, जो बड़े अच्छे व्यापारी हैं वो मतलब बड़े ब्रीडरों से नहीं भिड़के, हमारे जैसे कोई छोटे बड़े ब्रीडर है उनके पास आके कॉन्टेक्ट करें। और अगर हम जो लाइन बताते हैं, अगर वो लाइन कंफर्म नहीं होता है तो उसकी गारंटी हम लेते हैं।
जैसे हमारे पास में ये होम ब्रीड दोनों है नहीं, तो वो कालीचरण लोगों को डर लगता है कि बड़े ब्रीडर अच्छा पैदा कर रहे हैं वो किसानों के पास नहीं मिल पाता जो नए। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, जो घोड़ा मैं आपको अब ये बात आगे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मतलब ससुराल है हरियाली गांव जालोर डिस्ट्रिक्ट अंदर, वहाँ पे एक अच्छे ब्रीडर है जिनका नाम ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, जिनका नाम है जमुना जी प्राग जी गांची। इंडिया के जो फेमस स्टालियन है जैसे अति सुंदर हो गया, परमहंस हो गया, सीताराम वाला घोड़ा हो गया, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब ऐसे जैसे अच्छा टेंट लगा लिया, फॉर्चुनर खड़ी कर दिया, ठीक है, और वो झूठ मतलब झूठ का लाइन बना रहे, बल्कि उस बंदे के पास में जो अपने राजस्थान के जो अच्छे अच्छे स्टालियन है उन्हीं के पास से निकले, जैसे अति सुंदर हो गया जो अभी बबलू भाई शेख के पास में वो उनके घर से निकला है, परमहंस घोड़ा जो गजुबना पोसाना के पास में वो भी उनके घर से निकला है, अच्छा, और सीताराम वाला घोड़ा है वो भी जमुना जी प्राग जी गांची से घर से निकला है, और जो कालीचरण घोड़ा है जो अभी मतलब पंजाब क्या बोले गंगानगर में गया है, अभी गया। तो मतलब ये ज्यादा बड़ा ब्रीड मतलब घोड़े लाइन में उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा ब्रीडर है, मतलब उनके पास में जो लोगों की जो एक्टिंग करते हैं, अच्छा टेंट लगा लिया, अच्छी फॉर्चुनर खड़ी कर दिया, और झूठ मूठ की वो जो लाइनें बनाते हैं वो अभी इतने अच्छे अच्छे स्टेलियन सेल करने के बाद भी इतना बड़ा कुछ करा नहीं उन्होंने। नहीं नहीं उन्होंने कुछ भी बड़ा नहीं किया, और झोपड़े नहीं बने उनके, नहीं नहीं आलीशान झोपड़े नहीं बने उनके पास, उन्होंने वाजिब दामों में रखा, वाजिब दामों में बेचा, अच्छे अच्छे स्टेलियन है जैसे परमहंस हो गए, अति सुंदर हो गए, सीताराम वाला घोड़ा हो गए, कालीचरण हो गया, अभी उनके पास में राजवीर का भी बच्चा खड़ा है। तो मतलब ऐसे ब्रीडर वो किसान ही है, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं है, मतलब मैं ब्रीडर उसी को मानता हूँ जो घर पे स्टालियन को पैदा किया है। सही बात है, जैसे उन्होंने अति सुंदर उनके घर का ब्रीड है, परमहंस उनका घर का ब्रीड है, कालीचरण उन्होंने जरूर खरीदा है, मैं उसी को अच्छा ब्रीडर मानता हूँ जैसे हमने ये घोड़ी खरीदा है, मान लो काले कांटे से क्रॉस करवाया, उसका अच्छा बच्चा स्टालियन बना तो मैं अच्छा ब्रीडर हूँ। ब्रीडर तो वही है, जैसे मैंने खरीद के फिर मतलब एक मैं बोलता अपने आप को बोलता हूँ मैंने मेरे घर से मैंने ये पैदा कर लिया, वो नहीं, हमारे पास में वो सिस्टम नहीं। जैसे हमने ये दोनों ब्रीड किया तो आपके सामने जो मैं लाइन बता रहा हूँ, अगर उस लाइन में अगर वो कंफर्म मतलब अगले को अगर मतलब रहता कि ये कंफर्म नहीं है तो उसकी गारंटी हम लेते हैं। जैसे मान लो डीएनए के पैसा 30,000 लगता है, हम 60,000 रुपए देने के लिए तैयार है, मतलब हमारे पास में झूठ फरोखत का धंधा नहीं है, बिल्कुल। और मैं उसी को अच्छा ब्रीडर मानता हूँ जो अपनी घर पे जो पैदा करके जो स्टालियन बनाता है, उसी को मैं अच्छा ब्रीडर मानता हूँ। और हमेशा जो स्टालियन निकले है किसान के घर से ही निकले हैं। सही बात है, जो मतलब जैसे मान लो काफी लोगों के पास में क्या है कि जैसे मान लो जालोर बेल्ट से तो काफी निकले हैं। हाँ, जालोर बेल्ट तो मतलब घोड़े मारवाड़ी घोड़ों के लाइन में एक मतलब फेमस डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं आप। पंजाब के अंदर जितने भी स्टालियन खड़े हैं सब जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से गए हुए हैं, अधिकतर जालोर, क्योंकि जो अच्छे अच्छे स्टालियन है सब पंजाबी लोगों ने खरीद के लेके चले गए, काफी अपन उनकी पहचान नहीं कर पाए, और वहाँ आगे जाके उन्होंने अच्छा पहचान की बात नहीं, पैसा लेके चला गया, पैसा भी लेके चला गया, फिर क्या मतलब अपन जैसे राजस्थानी लोग है जैसे 1 करोड़ रुपए हो गए यार मेरे घोड़े के 1 करोड़ बढ़ रहा है, मतलब वो रिजल्ट के जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है घोड़ा उस पे ध्यान नहीं देके मतलब अपना पैसों पे ध्यान रहता है, पैसों पे वो सबका आता है ध्यान बस। हाँ वो तो है ही है, जैसे अब छोटे मोटे बिल्डर है, अब उनको क्या है कि जैसे मान लो घोड़ी को खिलाने के लिए पैसा चाहिए, खिलाने के लिए पैसा चाहिए, इनकी केयर करने के लिए एक आदमी चाहिए, और जैसे मतलब अब क्योंकि जैसे किसान है अब वो तो बेचारा खेती के साथ साथ में इनका भी पालन करता है, तो इनको मतलब चारा इतना उनको जितना केयर करना चाहिए उतना इनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा किसान मतलब जो अच्छे जो छोटे मोटे ब्रीडर है उसकी वजह से दब रहे हैं, अब वो किसान कहीं ना कहीं प्रमोट भी नहीं हो पा रहे। अब जैसे हमने ये देखो नए आदमी किसान के पास पहुंच नहीं पा रहे। अब जो अच्छा ब्रीडर है वो क्या करता है कि मतलब बड़े जो मतलब व्यापारी उनसे कॉन्टेक्ट हो नहीं पाता है, अब वो बड़ा बड़ा के पास में जाएगा, समझा, बड़ा बड़ा के पास में जाएगा तो जो भी आ रहे डायरेक्ट स्टेट फार्म पे जाते हैं, स्टेट फार्म में जाते हैं, किसानों के पास में नहीं पहुंच पाते हैं। और जो अच्छा माल मिलेगा मैं आपको गारंटी के दावे के साथ बोलता हूं, जो अगर झूठ का धंधा कभी किसान नहीं करता है, अगर झूठ बोलेगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ बड़े फार्म वाले बोलते हैं, जैसे बच्ची किसी लाइन की होगी किसी लाइन का बना के उसको बेच देंगे। अभी कुछ कुछ किसान भी करने लग गए, देखो किसान क्या है कि देख मैं जैसे मेरे सामने कोई बंदा झूठ बोल रहा है और उसको अच्छी इनकम मिल रही है तो मेरे भी क्या कोशिश रहती है मैं भी झूठ बोलूं, बल्कि देखो झूठ के पांव छोटा होता है, सच्चाई का पांव बहुत बड़ा होता है, आपकी झूठ ज्यादा पुष्कर से बाहर नहीं जाएगी, और मेरी अगर सच्चाई रहेगी तो मैं ऑल ओवर जैसे मैंने वो बच्ची कालीचरण वाली अगर मैं सेल करता हूँ, अगर कालीचरण के अगर वो नहीं निकलती है तो उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर अगला डीएनए करवाएगा तो मेरे कोई डर नहीं, वो बात है ना आमजन में विश्वास चोरों में डर, वो बात हो जाएगी, तो मतलब क्या है कि चोरों में हमेशा भी डर रहता है, ये बात है। ठीक है, और अपने पास क्या है? ये है अपने पास में रोबिन स्टार का है,
अच्छा रूबिन स्टार का डायरेक्टर। हाँ, रूबिन स्टार का डायरेक्टर जो सलमान खान के पास गया था वो। हाँ हाँ उसी घोड़े का है और इसकी माँ है अभी, मतलब हमने जोधपुर से खरीदा इसको। वो तो पंजाब में था रूबिन स्टार या फिर गंगा, मतलब अभी पता नहीं मेरे को फिलहाल कहाँ है सलमान खान, शायद मेरे हिसाब से जोधपुर में था रूबिन स्टार पहले। खूब टाइम हो गया ना उसको। हाँ और अगली पार्टी ने इन्होंने खरीदा है जो मेरे साथ में है, उन्होंने खरीदा उनके साथ में, अगले ने बोला रूबिन स्टार का है। अच्छा तो क्योंकि हम अभी जैसे माला जब तक डीएनए नहीं होता तब तक कंफर्म नहीं मान सकते। बिल्कुल जैसे हमने ये घर की ब्रीड है तो ये रेमंत घोड़े की आलिशान लाइन है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे वो हो गई कालीचरण की। हाँ जी ठीक है, तो मतलब कालीचरण डायरेक्ट हो गए नवरत्न का, रत्नाकर लाइन का। हाँ जी रत्नाकर का हो गए नवरत्न, नवरत्न का हो गए कालीचरण, कालीचरण की हो गई बच्ची। तो मतलब ये कन्फर्म लाइन है रत्नाकर लाइन, ये बात ठीक है। और भी है? हाँ ये है, ये है, हमने खरीदा इसको। अच्छा तो अगले ने जो भी लाइन, मतलब हमने खरीदा था, हम अननोन लाइन मानते हैं। ये घोड़ी और बच्चा, ये कोल्ट है, एक महीने का हो गया इसको ठाण दिए हुए। अच्छा इस घोड़ी का ही बच्चा है ना? हाँ इसी घोड़ी का बच्चा है। अच्छा क्या कीमत कर रहे हो इन दोनों की? इसके 1,80,000 रुपए। 1,80,000 जी। ठीक है जो अच्छा बायर है मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6375-6375-8298-8298-73-73। हाँ थैंक यू, थैंक यू, ओके धन्यवाद।